हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अनुपमा के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे हंसमुख खाने को देखेंगे। मीरा यहाँ पर कहेगी कि आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी होगी वरना मैं अनुपमा मैम से कंप्लेन कर दूंगी। हंसमुख कहते हैं नहीं नहीं तो मुझसे कंप्लेन मत करना। मीरा कहती है तो कोई और कर देगा। बाला यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है नया करेक्टर। हंसमुख और बाला आर्ग्यू करते हैं। बाला अनुपमा से कहते हैं कि हंसमुख को यहाँ से ले जाओ। प्रसाद हंसमुख यहाँ पर अनुपमा से कहते हैं कि बाला ने लव लेटर लिखा है। अनुपमा दोनों को डांटती है। बाद में वो डिसाइड करती है कि अब आरती करेंगे। पाखी बहुत लाउड म्यूजिक चलाती है। मीरा कहती है कि हमेशा पाखी हमें डिस्टर्ब करती है पूजा में। सागर कहते हैं आप शुरू कीजिए। अनुपमा आरती करती है। वनराज डिसाइड करता है वो प्रॉपर्टी खरीदेगा। लीला बहुत सारा गुस्सा है काव्या पर क्योंकि वो मॉडलिंग कर रही है। वनराज लीला से कहते हैं आप उसे इग्नोर कीजिए माँ। लीला कहती है पाखी और पारितोष कभी भी बाहर नहीं आएंगे अपने रूम से। वो कहती है टीटू और डिम्पल तो हमेशा बिजी रहते हैं डांस क्लासेस में। लीला कहती है किंजल और ये घर चला रही है और मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील करती हूँ। लीला कहती है अनुपमा हमारी नेबर है और अब हंसमुख भी उन्हीं के साथ जाकर के रहते हैं। वो कहती है अनुपमा आशा भवन तो चला रही है लेकिन खुश कितनी है। वनराज कहते हैं लीला से कि आप दोबारा इस घर में उस अनुपमा का नाम नहीं लेंगे। वैसे भी बाबूजी ने खुद आने से मना किया था, मैं उन्हें लेने गया था। वनराज कहता है कि एक बार बिल्डर मुझे टावर का पोजीशन दे दे फिर हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। वनराज यहाँ पर पाखी को बर्थडे विश करता है और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। पाखी कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। वनराज यहाँ पर उसे कोशिश करता है अच्छे से बात करने की लेकिन पाखी अलाउड नहीं करती। शो के अपकमिंग ट्रैक में आप ये भी देखेंगे कि सब लोग बदल चुके हैं। और इधर लीला रिग्रेट करती है कि उसकी फैमिली कैसे टूट गई या खो गई है। अनुपमा डिसाइड करती है कि वो बिल चेक करेगी। सागर टीज करता है अनुपमा को। हंसमुख लीला का इंतजार करते हैं। बाला उसे टीज करता है। हंसमुख कहता है कि लीला ने मेरे नहीं बल्कि वनराज के साथ रहना चूज किया। वो डिसाइड करते हैं कि अनुपमा को सपोर्ट करेंगे। हंसमुख यहाँ पर बाला से कहते हैं कि तुम अपना प्यार एक्सप्रेस करो। बाला कहता है कि मुझे डर लगता है। लीला कहती है हंसमुख को देख कर सुनिए। अनुपमा भी देखती है लीला और हंसमुख को। वो कहती है कि आखिर आप मेरे साथ क्यों रह रहे हैं बाबूजी जब आपको बाय याद आती है। तो हंसमुख कहते हैं क्योंकि मुझे यहाँ घर लगता है, आशा भवन मेरा घर। अनुपमा हंसमुख एक दूसरे से बात करते हैं। सागर अनुपमा से कहते हैं कि आपको यहाँ पर दोनों को इमोशनल होना रुकना पड़ेगा। वो कहते हैं अनुपमा से कि आप क्या कोई मेडिसिन लेने भेज रही हैं मुझे। अनुपमा कहती है कि तुम्हें तो किसी डॉक्टर से ही शादी कर लेनी चाहिए। अनुपमा जो याद करती है पाखी का बर्थडे। हंसमुख कहते हैं कि आज का दिन तेरे लिए बहुत खास है ना बेटा। अनुपमा कहती है ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अनुज यहाँ पर बांसुरी बजाता है। पंडित जी अनुज से कहते हैं कि भगवान करे तुम्हारा प्यार जल्दी ही तुम्हें मिल जाए। और वो डिस्कस करते हैं वहाँ के आए लोगों के साथ कि कैसे अनुज का जो जीवन है वो एकदम एंडलेस है, लाइफलेस है क्योंकि उसके ज़िंदगी में कुछ है नहीं। तभी अनुपमा आती है वहाँ सागर के साथ पाखी के बर्थडे पर प्रसाद चढ़ाने और तभी उसे अनुज के वहाँ होने का एहसास होता है जो कि बांसुरी बजा रहा होता है। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि इन दोनों की मुलाकात आखिर कब कहाँ कैसे होगी। फिलहाल तो ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। We'll be right back.